अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिमेनी चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ पोटैटो नूडल्स। पोटैटो नूडल्स बहुत ही इजी वे में जल्दी बन जाते हैं। तो आइए मैं आप रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने दो आलू ले लिए हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है, ठीक है, अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। और मैंने ये एक प्लेट नूडल्स लिए हैं, ठीक है, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं इनके, ठीक है। और ये हाफ कप कह सकते हैं मैदा लिया मैंने। और ये मैगी मसाला है, जो मैगी का वो नूडल्स होते हैं ना उसके अंदर से मसाला जो निकलता है ये वो है। और ये एक चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच सुरख मिर्च, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच जीरा और 2 टेबल स्पून मैंने धनिया ले लिया है और एक मैंने हरी मिर्च काट ली है। सबसे पहले उसमें आलुओं को कद्दूकश कर लूँगी। उसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और कद्दूकश करने वाला ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से मैं कद्दूकश करूँगी। 2 मिनट में कद्दूकश हो जाएंगे, देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। अब इसके अंदर मैं बाकी मसाले ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, सुरख मिर्च, गरम मसाला, जीरा, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और मैं इसके अंदर ये धनिया और ये हरी मिर्चें, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी ही ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आलू में जो जो मटेरियल मैंने ऐड किया था वो सारा हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसको साइड पर रख देते हैं। अब मैं आपको मैदे का बताती हूँ क्या करना है। अब ये मैदा के अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना थिक नहीं रखना, थोड़ा सा पतला पतला करना है ताकि जो आलू हमने जो मटेरियल ऐड किया उसकी शेप अगर हम बनाते हैं तो वो अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाए। अभी थोड़े से पानी में हम मिक्स कर लेंगे इसको। अब मैं और पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। ये देख सकते हैं ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा पतला है, नॉर्मल है। अब मैंने ये एक ट्रे ली है, ये जो आलुओं का मटेरियल मैंने तैयार किया है वो मैं इसके अंदर रखूँगी। हाथ से इसको हमने ऐसे प्रेस करना है। इसको हमने सबसे पहले तो स्क्वायर शेप में देना है, ठीक है। ये देख सकते हैं शेप आ रही है, शेप में इसको दे दिए। अब इसको हम फाइनल शेप देते हैं तो उसके बाद इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ट्राइंगल की शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर शेप दे सकते हैं, सर्कल शेप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको ट्रायंगल की शेप दे रही हूँ। बहुत सफाई से काटने हैं, देख सकते हैं कितने इजीली, आप नाइफ से ही काटिएगा, इजीली शेप बन जाएगी इसकी। ये जो साइड वाले हैं ये इनको हम रख देंगे। इसको दूसरी प्लेट में डाल दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा मैदा है, ठीक है, इसके अंदर मैं इसको डिप करूंगी। चारों तरफ से हमें अच्छे तरीके से इसको डिप करना है। डिप हो चुका है, ठीक है। अब ये ऊपर इसके ऊपर नूडल्स की टॉपिंग करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से टॉपिंग हो चुकी है। मैं इसको गरम गरम ऑयल में फ्राई करूंगी। इसी तरह हमने सबको फ्राई करना है। अब ऑयल ऑलमोस्ट हमारा गरम हो चुका है तो मैं इसके अंदर जो टॉपिंग की थी वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसी तरह मैं सारे ऐड करूंगी। और हल्की आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे, नॉर्मल रेडिश होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इनकी साइड को चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हैं लाइट लाइट कलर होना स्टार्ट हो चुका है। मैं फिर
इसकी साइड अब चेंज करूंगी। इतनी हल्की आंच रखनी है कि अंदर से जो मैदा है ना वो भी हमारा पक जाए और ऊपर से हमारे जो नूडल्स की टॉपिंग मैंने किया है वो भी अच्छे तरीके से इसमें कलर चेंज होने तक फ्राई हो जाए। उतर रहे हैं तो आपने इसकी कोई मसला नहीं है, इसका कुछ इशू नहीं है, आप अलग से इसको निकाल भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हल्के हल्के रेडिश होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में डालकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, अंदर से पहले आपको दिखाती हूँ कि कैसे कितने अच्छे हमारे पोटैटो नूडल्स तैयार हो चुके हैं। तो फाइनल लुक को आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना। माशाल्लाह से देख सकते हैं हमारे पोटैटो नूडल्स तैयार हो चुके हैं अच्छे तरीके से, शेप भी मैंने इसको दे दी थी और अच्छे तरीके से हमारे पक भी चुके हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक है। और मैं ये बहुत गर्म थे इसलिए मैं फोक और नाइफ की हेल्प से आपको कट कट के दिखाती हूँ कि अंदर से कितने अच्छे तरीके से हमारे पक चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसको केचप के साथ खाएं, इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।